बिल्कुल, ये लोग लिख रहे हैं कि जो जिंदा है उन्हें बचा लीजिए, जमाकर्ता पोर्टल पर फोटो स्टेट से क्लेम कर दे रहे हैं, ओरिजिनल पेपर कार्यकर्ता को देकर पैसा ले चुके हैं। ये हमको डर लगेगा बोलने में। अच्छा, ऐसे भी कुछ केसेज हैं जो जमाकर्ता, ये शरद जी लिख रहे हैं कि फोटो स्टेट क्लेम कर रहे हैं, ओरिजिनल जमा करके पैसा वो ले चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं क्या? ऐसा भी नहीं, 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 बात नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? जमाकर्ता पोर्टल पर फोटो स्टेट से क्लेम कर रहे हैं और जब पेपर कार्यकर्ता को देकर पैसा ले चुके हैं, हो सकता है ना? अगर ऐसा हो रहा है श्रीवास्तव जी, तो इसमें सहारा और बिना सहारा प्रबंधन की मत वही बात हो गई। बॉन्ड आप लेके गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सरकार ने पैसा, अरे भाई उनसे पूछिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी? ये सब मनगढ़ंत कहानी है सर। ये प्रसाद जी लिख रहे हैं साहब, बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं अमित साहब पर, हम किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम ना अमित साहब पर कर रहे हैं, ना मोदी जी पर कर रहे हैं, ना राहुल जी पर कर रहे हैं, ना केजरीवाल पर कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव पर कर रहे हैं, हम सिर्फ आप पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे लिए भरोसेमंद आप, जिस दिन पैसा आपको मिलेगा उसी पर भरोसा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी पर नहीं, किसी नेता पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप ये दबाव बना करके रखिए, आज अगर अमित शाह जी को कुशीनगर में और दूसरे जगह बयान देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार को डर सताने लगा है, और हर नेता को डर सताना चाहिए चुनाव के दौरान, तो जरूर डर सताना चाहिए। और एक बात और तय है, अदालती कार्रवाई भी अब आगे बढ़ेगी ना, अब तो पीआईएल लगेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई उसका जवाब नहीं आएगा, जवाब तो देना पड़ेगा, कितना दिन चलेगा मामला? तो इसीलिए सरकार भी इस बात को समझ रही है कि जनता सड़क पर है, जनता सड़क पर नाराज है, जनता सड़क पर बदहाल है, तो उन्हें उनके बदहाली से बचाना पड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेरा ये देखिए 100 की सीधी बात, मामला है पैसे का, सरकार जब पैसे का मामला आता है तो जो है वो पैसे कह रहा हूं पावर में है तो कम से कम समाधान तो करिए, कम से कम मूलधन तो दीजिए, जो सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखा हुआ है उससे तो कम से कम मूलधन। और दूसरी बात है पीने का पानी मोती वो सरकार के लिए है। चौरसिया लिख रहे हैं, दीप बंधु चौरसिया लिख रहे हैं, मेरे 58 खाते थे, सभी में डिफिशियंसी दे दी गई और एक रुपए नहीं मिला। ये है अमित शाह जी को आना, ये मैं उनको साफ साफ दिखा रहा हूं कि देखिए आपने जो कहा कि 5,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और 85,000 करोड़ रुपए के पाई पाई देंगे, आप भाषणबाजी ना करिए। ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं, मेरे मोहम्मद जो एफिशिएंसी दे दी गई, एक रुपए नहीं मिला। अब 58 खाते तो फर्जी नहीं हो सकते है ना, ये तो मोहम्मद बिन, हाँ जी सर, मोहम्मद बिन तुगलक उसने क्या किया था, चांद तांबे के सिक्के चलवा दिए थे, तो सब लोग जो है जाकर अपने घर तांबे के सिक्के चलवा दिए, वही हाल है देने के साथ ही साथ भारत ऑफिस है पोस्ट ऑफिस। प्रमोद वर्मा लिख रहे हैं किसी को भुगतान नहीं मिल रहा है, एक भी रुपए नहीं मिल रहा है। भगवान दास परेता लिख रहे हैं 500 है ये, भगवान दास परेता जो है ये क्या एजेंट है? भगवान दास जी आप लिख रहे हैं कि मेरे 500 खातों में डिफिशियंसी है, इमरान एजेंट है, पांच सौ खाते का मतलब हुआ कि वो एजेंट है ना, एजेंट भी तो बहुत ज्यादा परेशान है, एजेंट एजेंट अब और इनके तो परेशान नहीं होंगे, हर एजेंट के पास निवेशक जा रहा होगा, एजेंट गाली गलौज दे रहा होगा, एक दो एजेंट हो सकते हैं कि कुछ उनका कोई गलती गलत रहा हो या इलिसिट मनी कमाए हो, वो अलग विषय है, लेकिन सारे एजेंट की कोई गलती नहीं है। बस लिख लीजिए एजेंट है, लिख दिया, कमेंट कर दिया सर एजेंट,
और दूसरा अविनाश जी मिश्रा जी कह रहे हैं अब दोनों तरफ से चल रहा है बात। शरद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि पैसा भुगतान हुआ है, ठीक है आप अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि क्यूआईब नेटवर्क किसी के साथ से काम नहीं करता है, तो अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करे कि हाँ हमने पैसा दिया है तो उनके भी बात को बड़ी मजबूती से हम रखेंगे आपके सामने कि हाँ आपने पैसे दिए हैं। काम भुगतान हुआ है। गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।